गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल चांदनी डॉट आर्यन। आप लोग क्या कहिए, बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं भी थोड़ा टीवी पर उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा हालत ख़राब है। कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कल उनका तबीयत ख़राब था और आज मेरा तबीयत ख़राब होने वाला है। मतलब होने वाला कि कल रात से बहुत ही सर दर्द कर रहा है, जो आज मैं थोड़ा लेट करके उठे क्योंकि रात को ही ढंग से हम सो ही नहीं पाए। और माथा इतना दर्द कर रहा है, इतना चलने जैसे चलते हैं ना, एक बार माथा के दर्द से ही हम गए थे जम्मू चेक इन करवाने डॉक्टर के पास, और हमको जाके छुट्टियाँ पर फिर से वैसा ही सेम दर्द स्टार्ट हो गया। जैसे चलने लगते वैसे माथा तो धम धम अजीब टाइप करता है, वैसे जैसे बैठेंगे वैसे थोड़ा अच्छा लगता है पर बहुत ही दर्द करता है। अब दवाई मंगाएंगे तीरों से, और इतना आप लोग बर्तन भेजेंगे और आप लोग दिखाते हैं। और खाना पकाना है, सुबह का खाना मम्मी पकाई थी क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो मम्मी ने मेरी मतलब मम्मी कुछ कुछ मदद कर देती है, कभी तबीयत मेरा ख़राब रहती है तो मम्मी बना देती है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और क्यों देखिए, तबीयत मेरा ख़राब है और मम्मी बहुत ही अच्छा, मतलब एक बोले ना तबीयत ख़राब है और मम्मी पहले बोल मतलब मेरे हस्बैंड बोले कि इसका सर दर्द है और तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो आज मम्मी बोली हम बना लेते हैं। तो फिर हम ये सोचे कि अभी जाते हैं, थोड़ा टहलने से भी थोड़ा तबीयत थोड़ा ठीक होता है, तो उसके लिए हम सोचे कि जाते हैं, जितना काम जो भी काम है वो करते हैं, और खाना क्या बनाते हैं वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। पर मेरा सर बड़ा दर्द कर रहा है, हमको दवाई तीरू ला के देगा ठीक हो गया तो चलो बहुत ही अच्छा बात है, नहीं ठीक हुआ तो फिर से हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और उस टाइम मतलब दवाई बहुत सारा दिया था, दवाई ख़त्म हो चुका है लगभग, मतलब हो चुका है पूरा ख़त्म, क्योंकि खाया के ख़त्म कर दिए थे और दवाई नहीं खाते तब समझते कि हाँ मेरा ऐसा है। दवाई ख़त्म करने के बाद ही फिर से बहुत ही दर्द करा, मम्मी तेल मतलब रात को दिए थे लगाने के लिए ठंडा तेल, तो वही सर में लगाए थे, उसके बाद सोचे कि ठीक हो जाएगा पर ठीक नहीं हुआ। तो चलिए वैसे ही बोलेंगे नहीं, क्योंकि मेरा मन बहुत मतलब अजीब लग रहा, वैसे बोलने का नहीं मन कर रहा। तो चलिए आज हम वीडियो मतलब ऐसे ही कुछ कुछ मैं बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मेरा मन बिल्कुल ही नहीं है, मन ही नहीं कर रहा कुछ बोलने का। तो चलिए बर्तन मेज लेते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। मसाला पीस रहे हैं और सब्जी बनाने वाले हैं। डीम का सब्जी हम पहली बार बनाएंगे तो आप लोग शेयर करेंगे। हम डीम का सब्जी नहीं बनाया है, ना कुमार ने बनाया है ना इस, तो अभी बनाने वाले हैं क्योंकि सुबह में हम मम्मी को बोले थे कि आज मैं डीम का सब्जी बनाएंगे। पहले तो सोचे पड़े कि हमको आता नहीं बनाने, पर हम फिर सोचे कि सब जैसे बनाते हैं सेम उसी बनाना है। कहाँ से आ जाते होगा हमको ना बाहर में, सही में कसम से बताया तो बहुत ही डर लगता है, यहाँ पे बहुत ही अजीब लगता है यहाँ पे हमको। मसाला पीसने में तो और डर लगेगा यहाँ पे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पीस के हटेंगे। अनहार में कुछ ना दिखता नहीं है, और उस टाइम से हम प्याज आलू सब काट रहे थे, छील उल रहे थे, जो हो गया है अभी तीरों को हम भेजाएंगे बाजार और डीम मंगवाएंगे। हम लोग रखते नहीं हैं, जब फ्रीज हो जाएगा ना तब हर एक चीज़ रखेंगे, तो बेचारा को दुकान नहीं जाना पड़ेगा, एक ही बार में सब कुछ आ जाएगा। कि तीरों और हम बाद में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, वो अगले ब्लॉग बताएंगे। पर चलिए डीम बनाते हैं, डीम का सब्जी, और वो कैसे बनाते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। खाली जल्दी से हम मसाला पीस लेते हैं, कसम बहुत डर लगता है हमको, इधर इधर से ज़्यादा हमको उस घर में अच्छा लगता है, क्यों लाइट रहे मतलब हर एक इंजॉय रहता है ना, पिलो कुछ नहीं, और इस घर में हमको बैठे रहेंगे फिर भी थोड़ा मोड़ा आवाज़ आता है उसमें भी डर लगता है। तो अभी मम्मी सांस दिखाने गई है, अभी घर में कोई नहीं है, तो
सब उस टाइम से देवानंद बैठा था। हम बोल रहे कि इस घर में हम आएंगे खाना पकाने, किसी को एक चोन को भी लेके ही रखेंगे क्योंकि हमको बहुत ही डर लगता है। और नानी भी आई, आप लोग को दिखाया है अपना हस्बैंड का ब्लॉक में, और नानी बहुत दिन के बाद आई है। नानी गई थी अपना नैहर, जो बहुत दिन के बाद आई हैं। वैसे तो सबको घूमना चाहिए, नानी भी अपना नैहर से घूम के आए हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ ही देर के बाद। मसाला पीस को फ्राई कर दिए हैं और यहाँ प्याज मसाला पीस के रख चुके हैं, और मेरा चावल मिल गया है देख सकते हो। और उस कढ़ाई में हम चलाए हैं डिम को उबलने के लिए दिए हैं, दिखाते हैं आप लोग को, देखते हैं अच्छा करे भगवान कर अच्छा बन जाए। फर्स्ट टाइम डिम बना रहे हैं। ये देखिए डिम को उबलने के लिए रखती है, इसमें थोड़ा सा नून दिए हैं जिससे जल्दी हो सके। और यहाँ पे मम्मी दी हमको दूध उबालने के लिए, क्योंकि रात में सब दूध पीते हैं, मतलब कोई कोई पी लेते हैं कोई कोई नहीं पीते, उसकी वजह से दूध बहुत ही जान हो जाता है, इसीलिए मम्मी कम दूध मंगाते हैं। और चलिए जितना जल्दी हो सके डिम बनाते हैं और आप लोगों के साथ दिखाते हैं। और क्या बताएं, मेरा तो दिन ही ख़राब चल रहा है, कुछ भी बनाएंगे ना यहाँ पे मेरे साथ कुछ तो कुछ गड़बड़ा ही जाता है, कुछ भी करो थोड़ा मोड़ा गड़बड़ा ही जाता है। तो अभी हम आलू रखे थे पर बहुत ज़ोर से तेल पड़ा था यहाँ पे ना, ये देख सकते हैं, ये देख तेल पड़ गया था ना, बहुत ही लहर रहा था। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, आप लोग भी साथ होता है तो कमेंट कर दीजिएगा। पर चलिए आई होप भगवान करे दिन का सब्जी अच्छा से बन जाए। चावल तो हो गया है और 5 बजे से बैठे हुए हैं फिर भी अभी क्या करें, 7 बज रहा है। चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं, वो हो ही गया है। और आप लोग सोच रहे हो कि 5 बजे, देखिए 4:30 बजे हम बर्तन मेजे जो घर का उधर का काम था वो ख़त्म किए, तो सोचे कि जा रहे हैं आज रील्स नहीं बनाए मेरा। कल रील्स बनाए थे ना, रील्स बनाए थे और कुछ काम था तो रेडी वेडी हुए थे तो रील्स ही बना लिए थे। और धूप में रोज़ बनाते हैं, रोज़ मतलब कभी कभी, अभी रोज़ बनाते थे पहले, अभी भी बनाते, पर कल क्या हुआ ना कि धूप की वजह से ना मेरा माथा में ना बहुत ही दर्द पकड़ लिया, इसलिए आज हम वीडियो नहीं बनाए, मतलब रील्स नहीं बनाए। हमको अच्छा भी नहीं लग रहा आज रील्स नहीं डला, मेरा पहले का रील्स रखा हुआ है पर एक साड़ी में ही बहुत सारा रील्स डला जाता है, हमको बहुत ही अजीब लगता है। और थोड़ा सा और लाल होगा ना तो इसको निकाल देंगे। और बहुत ही ना माथा अभी भी ना ऐसा लग रहा चक्कर जैसा आ रहा है, ये ना ऐसा होता है मेरे साथ। और कुछ नहीं खाएंगे तो बेहोश हो जाते हैं, पता नहीं क्या बीमारी पकड़ा हुआ है मेरा। तो दवाई तीरों से मंगवाया तो रखा हुआ है, अभी कुछ खाएंगे उसके बाद दवाई खाएंगे। तो चलिए मिलते कुछ ही देर के बाद और डिम बनाते हैं। तो मेरा सब्जी बन गया, आप लोग को हम पूरा क्लिप नहीं दिखा पाए डिम का, वैसे आप लोग जानते होंगे डिम का सब्जी कैसे बनता है, और हम तो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो खुद हमको ही नहीं पता कि कैसे बनता नहीं बनता, फिर भी हम बनाए। और इसमें हम हर एक चीज़ दिया हूँ वो बता देते हैं, इसमें गरम मसाला दिए, प्याज, हमको डर लगता है वो अंडवा जो अथी होता है ना शुरू जो तेल में देता है, नहीं नहीं मेरा अंडा एकदम नहीं फटा ना उड़ा, हमको डर तो लग रहा था कि फूट जाए पर एक क्या हुआ ना, एक बार बना रहे थे छोड़ के हम ही भाग गए रूम में बना रहे थे ना, उसके बाद जो मेरा रूम पार्टनर था वो फिर बनाया था। नहीं हाँ एक में पड़ा था, ठीक है एक में पड़ा था, पहला पहली बार मेरा था, हमको डर लगने लगा। एक बार नीवा बनाए थे ठीक है डिम, और वो डिम ना फ्राई नहीं की, तुम देखे थे डिम को ऐसे उसन के और सब्जी में डाल दी, तो हम उसे ना डिम उतना नहीं पसंद करते हैं, थोड़ा मोड़ा पसंद करते हैं ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं। पर घर में यहाँ पे सबको हर एक चीज़ हम कुछ ही बना देते हैं, सब मम्मी लोग बोलते हैं अच्छा बनता है खा लो,
हमको यही चीज सुनने में अच्छा लगता है। और कलर इसमें ना जो होता है नी कश्मीरी मिर्च जिसे कलर होता है वो हम नहीं डालते सब्जी में, उसका अलग टेस्ट रहता है। और जो मसाला भी रखते हैं उसका अलग टेस्ट रहता है, क्योंकि हम उसमें अंतर देख लिए। और जो मेरा हस्बैंड जी का हालत ख़राब हो गया इतना ज़्यादा, कल आप लोग ब्लॉग दिखाए थे, अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है पर फिर भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। अभी उनके लिए दूध गर्म कर रहे हैं इधर, उसमें हल्दी देंगे और आदि देंगे, उससे ठीक हुआ। तो बहुत ही सर्दी ना बहुत ही ख़राब चीज़ है, पता नहीं क्यों। एक तो टंकी का पानी से नहाए हैं जिसे टंकी का पानी बहुत ही ठंडा रहता है, क्योंकि बारिश हुआ है 2-3 दिन से। और यहाँ पे हमको तिरो लेके आया फुचका, क्योंकि हमको फुचका बहुत ही पसंद पड़ता है, क्योंकि ये ठीक रहते तो ये जाते लाने, नहीं तो तिरो से मंगवाते हैं। और सब्जी बन चुका है, बेसी घोड़ मतलब ग्रेवी वाला बेसी हम नहीं बना रहे हैं, सिंपल सा ग्रेवी रहेगा थोड़ा। और ऐसे चलिए सब्जी बन गया है ना, तो ठीक है। हम तो आज तक हल्दी वाला दूध नहीं पिए हैं, कड़वा भी लगता है हमको इतना पता है, अच्छा नहीं लगता है। बेची देंगे तो हल्दी हल्दी हो जाएगा। आधी दे कि छोड़ दे, इसमें गरम ही दे देते हैं। हल्दी और दूध दोनों डबका के देता है, हल्दी दूध डबका के देता है, आपको जैसे देना दीजिए। हम गरम मसाला इसमें दे दे रहे हैं, दे दूध में हल्दी बस खाली बात और कुछ भी ना। हल्दी दे दी बहुत हल्का सा। तो यहाँ पे हम हल्दी दूध दे रहे हो, उनको कैसा लगेगा, हर एक चीज कड़वा ही लगता है इतना पता है। पर क्या करें, इंसान का तबीयत ठीक नहीं रहेगा तो ये सब पीना ही पड़ता है, बहुत ही गर्म है। चलिए लेके आते हैं। तो चलिए इनको दूध दे दिए, और मतलब हमको नहीं पता कि हल्दी और दूध एक ही साथ गर्मा के दिया जाता है, पर फिर भी दूध को गर्मा के हल्दी थोड़ा सा ही दिए, फ़ायदा करेगा तो बहुत ही अच्छा बात है, और क्या ही बता सकते। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, हो अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा। और हम इतना जल्दी चाहते हैं कि इतना जल्दी बहुत जल्दी ठीक हो जाए, सर्दी की वजह से ना हालत सबका ख़राब है, गर्मी घर में सबको सर्दी, मेरा भी अब होने वाला है, क्योंकि ऐसा लग रहा है मेरा भी हालत ख़राब होने वाला है। कल से तो मेरा माथा दर्द कर रहा है, जिससे आज हम कोई काम नहीं की, सुबह में मम्मी की है, और अभी हम सोचे कि हम कर देते हैं, आज हम सोचे डिम का सब्जी बनाते हैं, मन किया तो डिम का सब्जी बना है और चावल बनाए। तो चलिए अब ब्लॉग, कोई ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय बाय।